हेलो एवरीवन, वेलकम दी प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के रिगार्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्टें हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री के अंदर 5 वैकेंसियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं जनरल मेडिसिन के अंदर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं जनरल सर्जरी के अंदर। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के अंदर 2 प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर 1 वैकेंसी है प्रोफेसर की, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर 2 प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, 2 प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं। ये लो विजन के लिए रिजर्व हैं। सेंटर फॉर कंपेरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन के अंदर 1 प्रोफेसर की वैकेंसी है डॉक्टर के आर नारायणन। सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ के अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के अंदर और 1 प्रोफेसर की वैकेंसी है सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है सेंटर फॉर कंपेरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है डॉक्टर के आर नारायणन सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ के अंदर। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं सेंटर फॉर कल्चरल एंड मीडिया गवर्नेंस के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के अंदर। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट की सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग के अंदर। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड बेसिक साइंस के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है 1 फिजिक्स के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है न्यूरोलॉजी एंड कार्डियोपुलमोनरी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है एकेडमिक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स के अंदर और प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है एकेडमिक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स के अंदर। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेज के अंदर। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है जर्मन की डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के अंदर और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में कोरियन की 1 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की। फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के अंदर जापानीज की 1 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की। 1 प्रोफेसर की वैकेंसी है सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज के अंदर। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है रशियन सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी के अंदर। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है फिलिंस के अंदर और मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर और 1 प्रोफेसर की वैकेंसी है टीवी मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के अंदर। 1 एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड रिसर्च के अंदर। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जर्नलिज्म के अंदर। इन पोस्टों के लिए जो पे लेवल मिलने वाला है वो प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A का है
और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का है, और असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री के अंदर लेवल 11 का है। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ये 250 रुपये है, और वुमेन एंड दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इस एप्लीकेशन को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर 2022। बाकी डिटेल आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।